1971 की जंग के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 49वां यौम शहादत। जेलों में शहीद के मजार पर तकरीब। मेजर अकरम शहीद को जान का नजराना पेश करने पर भरपूर खराज अकीदत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की तरफ से यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर हुकूमत सरगर्म। वजीर आजम का मंसूबे का रिकॉर्ड अदालत उज़्मा में जमा कराने का हुक्म। तमाम सूबों से डाटा तलब कर लिया गया। वजारत मौसमियाती तब्दीली भी हरकत में आ गई। प्रोजेक्ट से मुतालिक 10 रुकनी कमेटी कायम। मीनारे पाकिस्तान जलसे से पहले PDM और जिले इंतजामिया आमने सामने। ऑपोजिशन 13 दिसंबर को लाहौर में सियासी मैदान गरमाने को तैयार। इंतजामिया का जलसे की इजाजत देने से इनकार। लाहौर जलसे से पहले लीगी कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। पुलिस की इजाफी नफरी रावण थाने पहुंच गई। सर्दी बढ़ते ही गैस बहरान फिर सर उठाने लगा। सर्दियों में शॉर्टफॉल 35 करोड़ 40 लाख क्यूबिक फीट होगा। सनतों के लिए गैस सप्लाई में 10 करोड़ 70 लाख क्यूबिक फीट कमी होगी। घरेलू कमर्शियल और टेक्सटाइल सेक्टर को सप्लाई जारी रहेगी। सरकारी दस्तावेजात में इंकशाफ। वजीर आजम के मामले खसूसी तवानाई। ताबिश गौहर का कहना है कि IPPs के साथ 12 फरवरी 2021 से पहले हतमी माहिदे तय पा जाएंगे। IPPs के साथ किए गए MOUs को हतमी माहिदों में तब्दील करने के लिए 6 माह का वक्त दिया गया है। माहिदे 53 IPPs के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। कराची में एशियाई खुरानोश के महंगे दामों फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 350 रुपए किलो हो गया। बीफ 550, मटन 1000, आलू और प्याज 80 रुपए किलो फरोख्त। अंडों और ब्रायलर की कीमतें कंट्रोल करने के लिए कमीशन मुतहर्रिक। ओपन नीलामी के बगैर खरीद और फरोख्त पर पाबंदी। सिंध हाई कोर्ट ने अफसरों को तबादलों तकरारियों के लिए हाई कोर्ट से रुजू करने से रोक दिया। चीफ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरीज को 15 रोज में तकरारियों के मामला हल करने का हुक्म। कराची में MQM लंदन के 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी। फहीम, मोइन और काशिफ से तफ्तीश के लिए CTD की JIT बनाने की सिफारिश। DIG CTD को मरासला जारी। कराची बहादुराबाद से 2 माह की बच्ची 15 रोज से लापता। पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम। लवाहिकीन बच्ची की तलाश के लिए रुल गए। साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्ला खान जमाली की रस्में कुल अदा कर दी गई। मरहूम के बेटे साबिक MNA मीर फरीदुल्ला खान जमाली की दस्तारबंदी। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी का भी जफरुल्ला जमाली के बेटे से इजहार तासीयत। और बड़े सगीर के इनकलाबी शायर और मरसिया गो जोश मली आबादी का 122वां यौम पैदाइश। जोश मली आबादी 5 दिसंबर 1898 को उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद उर्दू से मोहब्बत में पाकिस्तान मुंतकिल हुए। 22 फरवरी 1982 को इस्लामाबाद में वफात पाई।